मध्य प्रदेश से है। सवाल पूछने पर पत्रकार पर किया गया FIR। पत्रकारों ने घटना का जताया कड़ा विरोध। पत्रकारों ने कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के राम राज्य में पत्रकारों के लिए काम करने की और सवाल पूछने की कितनी आजादी बाकी रह गई है। हम पत्रकार की हैसियत से इधर आए हैं, तो आप याचिका करता भी है ना? हाँ। तो फिर तो आपको मालूम नहीं, नहीं यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है। नहीं आपको मालूम, ये क्या कोई पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है? आ जा नहीं सकते? हम आपके आपसे ना हम कोई बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस हम अपना आए हैं इधर रिपोर्टिंग करने के लिए। कैसी रिपोर्टिंग करना है? न्यूज रिपोर्टिंग। जब आपको मालूम है कि माननीय एनजीटी के आदेश का पालन किया जा रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप अपना काम करिए ना, जांच करिए ना। हाँ, फिर आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं? आर्गुमेंट क्यों नहीं करेंगे? क्यों क्यों तो बताइए तो। आप चूंकि माननीय एनजीटी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम आपकी जाँच में क्या कर रहे हैं? हम अपने रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग में काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप माइनिंग अधिकारी हैं, आप अपनी जांच करिए। क्यों जिले का ब्यूरोक्रेट पत्रकारों पर हावी होता जा रहा है? क्यों अधिकारी सवाल पूछने पर जेल में डालने की धमकी देते हैं और FIR करवा देते हैं? क्या ये प्रदेश में मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला नहीं है? दरअसल ये वीडियो रेत और रेत माफियाओं के गढ़ कहे जाने वाले नरसिंहपुर का है, जिले की नदियों में पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध खनन जारी है, जिसके विरोध में एक पत्रकार ने एनजीटी में याचिका दायर कर दी। एनजीटी के निर्देश पर जांच दल अवैध उत्खनन मौका जांच करने पहुंचा और पीछे पीछे पत्रकार और याचिकाकर्ता भी पहुंच गए और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बस यही बात खनिज अधिकारी को नागवार गुजरी और अधिकारी भी पत्रकार का वीडियो बनाने लगे और बाद में पत्रकार पर FIR दर्ज करवा दी गई, जिसके विरोध में पत्रकार लामबंद हो गए। पत्रकारों ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। खदान के पास ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनके रहवासी भी लगातार शिकायत कर रहे हैं प्रशासन से, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस कारण से अभी बीच में 4-5 दिन पहले हमारे पत्रकार भाई रमाकांत जी कौरव, जो कि एक जाँच टीम पहुँची थी 4-5 रेत खदानों को जांच करने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए, उसका ब्यौरा इकट्ठा करने के लिए वो वहाँ पहुँचे थे। अचानक जो खनिज अधिकारी हैं उनने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और इस दुर्व्यवहार के कारण सारे पत्रकार जगत में रोष है। लगातार इस ढंग से यदि शासन प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को दबाया जाएगा तो ये अनुचित होगा और हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा